ये जो म्यूरल है आप लोगों को दिखाना मैं भूल गया, ये 4 फीट बाय 9 फीट का ये बड़ा म्यूरल है। इसको जमीन पे हम लोग टाइल्स बनाए, ये देखिए हाफ इंच का। उसके बाद ये पूरा ड्राइंग हुआ। मेन जो काम है इसमें वो है ड्राइंग। उसके बाद ये ड्राइंग को फॉलो करके यहाँ पे हाफ इंच 1 इंच करके कॉयल मैंने बनाया और इसको चिपकाया। पूरा मेन जो काम है ड्राइंग करने का बाद इसमें चिपकाया और बीच बीच में देखिए यहाँ पे टेक्सचरिंग, ठीक है। ये होता है इस काम का सबसे मेन काम है, सिंपल। तो ये छोटा काम भी कर सकते हैं, 1 फीट बाय 1 फीट करके टाइल्स बना के भी ड्राइंग करके भी इस टाइप का काम आप कर सकते हैं। जब पूरा डिस्प्ले होगा ना तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा और कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो इसका मोल्ड करेंगे, कास्टिंग होगा फाइबर और इसका पेंट करेंगे। पूरा प्रोसेस आप लोगों को दिखाऊंगा। ये जो काम है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लाइन ड्राइंग बनाइए और कॉयल बना के चिपकाइए और बीच बीच में जो टेक्सचर है इसको बनाइए, तो बहुत अच्छा काम आपका हो जाएगा। पीओपी से मोल्ड होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेस्ट मोल्ड है, एक ही पीस जरूरी है। हम लोग ये पीओपी का मोल्ड करके एक पीस निकाल के, फाइबर के एक पीस निकाल के इसको मोल्ड जो है इसको तोड़ देंगे। तो इसीलिए देखिए फर्स्ट लेयर ये पूरा मैटिंग लेयर हो रहा है, एक साथ पार्ट बाय पार्ट लेना है क्योंकि बड़ा है। और उधर देखिए वहाँ पे पीओपी जो है 18 किलो का बोरी है, बहुत ही अच्छा पीओपी है। व्हाइट नहीं है, ऑफ व्हाइट टाइप का कलर है, लेकिन ये स्ट्रॉन्गनेस बहुत ही अच्छा है। इसको ऐसा पानी दे के उसके बाद पीओपी डाल के इसको अच्छा से घोलिए क्योंकि इसमें दाना जैसा कुछ नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया मोल्ड, ठीक है। पीओपी मोल्ड यहाँ पे था, इसको उठा लिया, इसमें मिट्टी जो है इसको पूरा रिलीज कर दिया। अभी पूरा साफ सुथरा करके यहाँ पे देखिए कोई पे छोटा मोटा कुछ गैप था इसको मिट्टी लगा के रिपेयरिंग करके यहाँ पे अभी बॉक्स पर लगा दिया। अभी कास्टिंग होगा। ये देखिए फर्स्ट लेयर, करा करके ये कास्टिंग भी कर सकते क्योंकि ये बड़ा पीस है। आप लिटा के करेंगे तो मुश्किल भी हो सकता है, इतना बड़ा पीस है, इसीलिए ऐसे खड़ा करके दीवार पे हम लोग करते। इसमें भी प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे करेंगे तो पूरा थिकनेस बराबर रहता है, कोई जगह वेस्टेज नहीं होता है। लेकिन क्या होता है जो नीचे वाला पार्ट है उसमें संभाल के आपको लगाना चाहिए, तो इस जगह पे आपको ध्यान देना है। उस हिसाब से सेकेंड जो लेयर है उस लेयर पे भी आपको ध्यान देना है। तो चलिए ये फर्स्ट लेयर हो रहा है, पूरा कंप्लीट होने के बाद सेकेंड लेयर होगा, उसके बाद मैचिंग होगा और ओपन करके भी दिखाएंगे। पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको दिखाता हूं, ठीक है। इसका कास्टिंग हो गया। अब ये क्या करें, इसको ब्लॉक ब्लॉक करके अलग अलग कलर टोन पे डालेंगे, ठीक है। लाइट टोन के ऊपर ही इसको डिवाइड करें, जैसे अलग अलग पार्ट है अलग अलग टोन पे इसको कैसे करें, इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा। मैं देखता हूँ, आप लोग देखिए ग्रे में कर रहा हूँ, ब्लैक टोन डाल रहा हूँ। हम लोगों ने मल्टी कलर करेंगे लेकिन ओपेक टाइप का कलर करेंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट रॉ कलर हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे जो भी यूज होगा वो सॉफ्ट कलर होगा और ओपेक कलर होगा, मतलब व्हाइट मिला के उसको जो ब्राइटनेस है उसको खत्म करके दबा के इसको कलर करेंगे। तो देखते हैं ऐसा कैसा लगेगा। अभी जो कलर है इसका ये पार्ट अच्छा लग रहा है मेरे को, अभी ये वाला पार्ट अभी देखते कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को कुछ करना है। अभी थोड़ा सा टाइट होने देते, इसको छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा कलर जो है इसको टाइट हो जाए, सूख जाए, उसके बाद इसके लिए सोचेंगे। अभी ये वाला पार्ट ठीक लग रहा है, तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। अभी देखिए ये ब्लू वाला जो है ये दब गया है ना, इसमें शेडिंग दे दिया, हल्का हल्का शेडिंग दे दिया, यहाँ पे व्हाइट कलर आ गया। तो ये अभी देखिए कलर टोन जो है ये अभी ठीक ठाक लग रहा है। तो अभी देखता हूँ क्लाइंट को भेजने का बाद क्या रिएक्शन आता है, कोई करेक्शन करना है उस हिसाब से करते हैं। अभी तो अच्छा लग रहा है, इसको ऊपर सिर्फ गोल्डन हल्का सा ग्लॉसी फिनिश एकदम हल्का उसको देना है, बाकी कंप्लीट।